तो स्टूडेंट आज का टॉपिक है स्ट्रिंग। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड स्प्लिट फंक्शन। फिर इसके बाद हम फाइल हैंडलिंग स्टार्ट करेंगे, फाइल हैंडलिंग की वीडियो इन तीन टॉपिक के बाद। फिलहाल आज हम इन तीन टॉपिक्स को बताएंगे। नंबर फर्स्ट द्वारा सुनने स्ट्रिंग क्या होती है, जब ये पहले मैं बता चुका हूँ, पर ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग पहले थोड़ा एक और रिवाइज करा देंगे। फिर इसके बाद लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के बाद स्प्लिट फंक्शन। ये तीन चीज आपकी है, इनको थोड़ा देखिएगा, क्योंकि फाइल हैंडलिंग में इन तीनों का बहुत ज्यादा यूज है। फाइल हैंडलिंग अगर आपको कंप्लीट करनी है, जो लास्ट का है चैप्टर, वो अगर आपको पूरी तरीके से समझना है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, उसके लिए तीनों टॉपिक आपके जरूर अच्छे होने चाहिए। ठीक है, स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड स्प्लिट फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया था, स्ट्रिंग होती है अल्फाबेट्स कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन, लेटर्स का कॉम्बिनेशन। जैसे एक सिंपल वेरिएबल है, जैसे इंटीजर वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। फ्लोट टाइप वैल्यू 1.5 2.5 डेसिमल टाइप वैल्यू। अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो स्ट्रिंग कैन होल्ड लेटर्स, इट मींस स्ट्रिंग लेटर्स में कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट्स, ठीक है, कैरेक्टर में क्या आ गए, अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं। अल्फाबेट के साथ साथ डिजिट्स भी आ सकती हैं, इसके से सिंबल्स भी आ सकते हैं, स्पेस भी आ सकते हैं। सभी चीज का, सभी ऑल थिंग्स आर स्टोर्ड इन स्ट्रिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी का मुझे नाम लिखना है, किसी का फादर नेम, किसी का मदर नेम, किसी का फादर नेम, किसी का मदर नेम, या कुछ भी एड्रेस लिखना है, एड्रेस में सब कुछ होता है, न्यूमेरिक वैल्यू भी होती है, अल्फाबेट्स भी होते हैं। ये ऑल थिंग्स लिखने के लिए वी कैन नॉट यूज इंटीजर टाइप वेरिएबल। इंटीजर टाइप का होल्ड करने के लिए INT का भी यूज नहीं कर सकते, फ्लोट का भी यूज नहीं कर सकते। तो हम इसके लिए किस चीज का यूज करें, तो उसके लिए क्या काम आता है, स्ट्रिंग आता है, स्ट्रिंग वेरिएबल। तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल कैन होल्ड, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ ABCD 1 2 3, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये स्टूडेंट, ये क्या है, आपकी स्ट्रिंग हो गई। एक कोस्टो, थोड़ा ए ऊपर लिख देते हैं, एक कोस्टो ABCD, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रिंग हो गई, क्या हो गई, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैन होल्ड कैरेक्टर्स टाइप वैल्यू। कैरेक्टर्स में सब कुछ आ सकता है, जो कीबोर्ड में होती है सब चीज, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, सब चीज इसमें स्टोर हो सकती है, बट डबल कोट्स के अंदर। स्ट्रिंग ऑलवेज डबल कोट्स के अंदर क्या होती है, आपकी क्लोज होती है। जब हम इनपुट देते हैं ना, इनपुट नहीं देते, आउटपुट तो आप कैसे दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, इनपुट देते समय ऐसे डबल कोट्स के अंदर से लिखा है। वो सेम लिस्ट की तरह, इसका आपका इंडेक्स क्या होगा, 0, इसका इंडेक्स क्या होगा, 1, इसका इंडेक्स क्या होगा, 2, इसका इंडेक्स क्या होगा, 3। दोबारा देखता हूं, 0 1 2 3, ये इसके इंडेक्स हो गए। अगर मैं यहां पर स्टूडेंट करता हूं प्रिंट A0, देन आउटपुट विल बी A, ए आएगा, क्योंकि जीरो पोजीशन पर क्या स्टोर है, ए स्टोर है। ऐसे मैं करता हूं प्रिंट सी, प्रिंट A,2, तो क्या आउटपुट आएगा हमारा, सी आउटपुट आ जाए, क्योंकि टू पोजीशन पर सी स्टोर है, जैसे मैंने बता रखा है इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग। इसमें माइनस में इंडेक्सिंग होती है, माइनस में कहां चलता है, यहां चलता था -1 -2 -3 -4। अगर माइनस में इंडेक्सिंग करें तो माइनस में कैसे करेंगे, प्रिंट मैंने किया A-3 या A-2 कर दिया, चलो A-2 था, देन आउटपुट विल बी सी, उस केस में भी आउटपुट सी आएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन बन मान से पूछ लेते हैं, या ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड में, कि कोई स्ट्रिंग दे रखी है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A-2, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता। तो आप माइनस इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, इसमें बताया था। अगर मैं प्रिंट A कर देता हूं, देन पूरी पूरी स्ट्रिंग दिखाई दे जाएगी, ABCD। प्रिंट मतलब पूरी स्ट्रिंग डिस्प्ले कराना, और कोई पर्टिकुलर अल्फाबेट कराना, पर्टिकुलर कैरेक्टर्स वैल्यू करानी, लेटर कराना है, तो देन वी हैव टू यूज इंडेक्स, इंडेक्स विद स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल के साथ वी हैव टू यूज इंडेक्स, इंडेक्स का यूज करना पड़ेगा, लाइक 0 1 2 -1 -2, ठीक है। तो ये होगी हमारी स्ट्रिंग होगी, ठीक। अब बात आती है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, दोनों में अंतर समझना, छोटा सा अंतर,
लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब स्टूडेंट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग का मतलब है कि भाई देखिए लिस्ट जो होती है अभी तक आपने पढ़ा कि ओनली वी कैन स्टोर ऑन न्यूमेरिक वैल्यू इन लिस्ट, a equals to 30, 40, 50, 40, 60 मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए काम आते हैं, बट क्या इंटीजर वैल्यू होल्ड कर सकते हैं? इन लिस्ट वी कैन स्टोर ओनली इंटीजर टाइप वैल्यू, नो, वी कैन स्टोर कैरेक्टर्स टाइप वैल्यू ऑल्सो, इट मीन लेटर्स ऑल्सो, अल्फाबेट्स ऑल्सो इन लिस्ट। लिस्ट में हम कैसी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग। तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग का मतलब है कि अ लिस्ट वेरिएबल कैन होल्ड, व्हेन अ लिस्ट वैल्यू कैन होल्ड, क्या होल्ड करे? तो स्टूडेंट मैं आपको बता रहा था कि हाउ स्ट्रिंग इज डिफर फ्रॉम लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, इट मीन्स स्ट्रिंग जो है कैसे डिफरेंट है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग से। तो स्ट्रिंग तो मैंने आपको बताया था, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ ओनली सिंगल वर्ड, सिंगल लाइन, एक ही उसका आपका कलेक्शन हो सकती है। इट मीन्स एक स्ट्रिंग के अंदर एक या लाइन स्टोर कर सकते हैं या फिर टू और मोर लाइंस स्टोर करो, बट वो एक सिंगल यूनिट में आएगी। इट मीन्स वो होगी एक ही आपका वो होगा सेपरेट, इट मीन्स वर्ड या लाइन या टू और मोर लाइन, बट वो सिंगल कोर्स में एक ही होगी, ठीक है ना। बट इन लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग वी कैन स्टोर मल्टीपल स्ट्रिंग, इट मीन्स मल्टीपल स्ट्रिंग का मतलब क्या है? मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं, मल्टीपल लाइंस हो सकती हैं, ठीक है ना। इसका कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग कहलाता। क्या कहलाती है स्टूडेंट? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए कोई आपकी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, ए इक्वल्स टू, मान लो फॉर एग्जांपल यहां मैं करता हूं ए बी सी, सेकंड बी सी डी, ए कोई भी लैड कर लेते हैं, कुछ भी लैड कर लेते हैं, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है इस तरीके से मैंने कुछ भी आपका लैड कर लिया। तो इन दिस केस अब इस केस में एबीसी बीसीडी सीडी जो भी है, जो भी सब कुछ है, हमारा क्या हो गया? मल्टीपल स्ट्रिंग हो गई स्टूडेंट्स में। ऐसा नहीं है कि ओनली वन स्ट्रिंग्स आर देयर। स्ट्रिंग में क्या होता है? एक ही स्ट्रिंग होती है, एक ही आपका क्या होता है वर्ड होता है, एक लाइन या टू और मोर लाइन एक ही उसमें होती है आपका सिंगल कोर्ट्स के अंदर एक यूनिट के रूप में। बट यहां पर क्या स्टूडेंट, यहां पर स्टूडेंट देखिए आप लोग, यहां पर एक स्ट्रिंग ये है, दूसरी स्ट्रिंग है, तीसरी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इट मीन्स लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्ट्रिंग इन अ सिंगल यूनिट। मल्टीपल स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन होती है, कलेक्शन होती है। जैसे यहाँ पर ये स्ट्रिंग, दूसरी स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, क्या बहुत सारी स्ट्रिंग होगी ना, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट? ये कहलाएगा हमारा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हमारा कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं स्ट्रिंग को अगर आउटपुट करना चाहता हूँ वन बाई वन, तो कैसे करते थे हम? लेट ए इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है, फॉर लूप प्रोसीड करते थे, ए इन x, sorry, i n a print i। इसमें क्या होता था? i की जो वैल्यू है, i सबसे फर्स्टली किस पे जाएगा? a पर, ये हमारा प्रिंट होगा, फिर b, फिर c, फिर d, इस तरीके से वन बाई वन अल्फाबेट इसके प्रिंट हो जाते थे। इस तरीके से हम स्ट्रिंग को प्रिंट करते थे। किसको प्रिंट करते थे? स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को प्रिंट करते थे। बट अगर मैं इसकी बात करूं, इसको हम कैसे प्रिंट करेंगे? लिस्ट वाली वैल्यू को कैसे प्रिंट करेंगे? तो सेम फंडा है बिल्कुल। मान लीजिए लिस्ट हमारी क्या है? a = abc bcd, इसी को मान लेते हैं, इसी स्ट्रिंग को मान लेते हैं। इसी स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट करेंगे? फॉर लूप i n a। तो हम क्या करेंगे? प्रिंट i। जैसे हम लिस्ट को करते थे ना, जो इंटीजर टाइप लिस्ट होती थी, कि आई इन ए सबसे पहले पहला वैल्यू डिस्प्ले होता था, फिर दूसरा वेरिएबल, फिर तीसरा, ऐसे सबसे पहले आई में क्या वैल्यू स्टोर होगी? एबीसी स्टोर होगी। क्या स्टोर होगी? एबीसी। तो फर्स्ट टाइम एबीसी यहां प्रिंट हो जाएगा।
ठीक है, सेकंड टाइम आई में क्या वैल्यू स्टोर होगी, बी सी डी, इसमें सेकंड स्ट्रिंग स्टोर होगी, सेकंड स्ट्रिंग हमारी प्रिंट हो जाएगी बी सी डी। थर्ड तीसरी बार में जब लूप चलेगा हमारा तो क्या स्टोर होगा, सी डी सी स्टोर होगा और सी डी सी हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या है, ए बी सी बी सी डी सी डी सी, एक एक करके आपके प्रिंट हो गए। तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को प्रिंट कराने का भी तरीका वो है जो कि हम स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं, इसका भी आउटपुट क्या आएगा, ए सबसे पहले ए प्रिंट होगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी। यहाँ पर कैरेक्टर वाइज अल्फाबेट वाइज प्रिंट हो रहा है, बट यहाँ पर कैसे प्रिंट हो रहा है, सबसे पहले आई में फर्स्ट स्ट्रिंग आएगी वो प्रिंट होगी, देन फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से प्रोसीड होगा। बट ए स्ट्रिंग केस सबसे फर्स्टली पहला अल्फाबेट आएगा वो प्रिंट होगा, फिर दोबारा लूप प्रोसीड होगी, सेकंड अल्फाबेट आएगा सेकंड अल्फाबेट प्रिंट होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सो ऑन, इस तरीके से थर्ड फोर्थ फिफ्थ सो ऑन फर्स्ट सेकंड के बाद में, इस तरीके से वन बाई वन अल्फाबेट हमारे क्या होते हैं, प्रिंट होते हैं। बट इन दिस केस क्या प्रिंट होता है, वन बाई वन स्ट्रिंग प्रिंट होती है, पहले पहली स्ट्रिंग, फिर दूसरी स्ट्रिंग, फिर थर्ड स्ट्रिंग, इस तरीके से प्रिंट होती जाती है। अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा स्ट्रिंग और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग में तो टू और मोर अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन होता है, टू और मोर अल्फाबेट्स या कैरेक्टर्स का वैल्यूज आर कंबाइंड टुगेदर टू मेक अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को बनाने के लिए सबकी सब कंबाइन होती है, आपस में इंटरलिंक होती है डबल कोट्स के अंदर। बट इन लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग का है मल्टीपल स्ट्रिंग्स का कलेक्शन, बहुत सारी स्ट्रिंग्स मिलके एक मतलब क्या बनाती है, लिस्ट बनाती है, ठीक है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इस तरह प्रिंट कराते हैं, इसको इस तरह प्रिंट कराते हैं, ये समझ में आ गई ना। अच्छा, इसका मतलब आप समझ लीजिए, अभी तक तो एक वेरिएबल में हम एक ही स्ट्रिंग स्टोर कर रहे थे, बट अब एक वेरिएबल में विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कॉन्सेप्ट वी कैन स्टोर मल्टीपल स्ट्रिंग्स। सबसे पहले आई में फर्स्ट स्ट्रिंग आएगी, फिर आई में सेकंड स्ट्रिंग आएगी, जब ये लूप सबसे पहले लूप प्रोसीड होगा आई इन ए, तो आई के अंदर ए में से सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रिंग आएगी वो प्रिंट होगी, फिर आई में दूसरी स्ट्रिंग आएगी वो प्रिंट हो जाएगी, फिर आई में थर्ड स्ट्रिंग आएगी, इस तरीके से तीनों की तीनों स्ट्रिंग्स इसमें क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। बट यहाँ पर अल्फाबेट बने बनाते हैं, पहले पहला अल्फाबेट फिर आएगा फिर दूसरा, जितनी बार लूप प्रोसीड कितनी बार होती है, जितने अल्फाबेट्स होंगे फर्स्ट केस में, और यहाँ कितने बार लूप हमारी प्रोसीड होगी, जितने इसके अंदर स्ट्रिंग्स होंगे, तो स्ट्रिंग्स के अंदर कितने, यहाँ तीन, तो यहाँ थ्री बार लूप चलेगी, यहाँ पे चलेगी आप फोर टाइम्स, क्योंकि फोर आपके अल्फाबेट्स है, ठीक है ना। तो यहाँ दोनों के दोनों लूप से हम कैसे प्रिंट करते हैं, इसमें अल्फाबेट्स प्रिंट होते हैं और इसमें लिस्ट प्रिंट होती है। ठीक है, तो अब मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूँ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के, दो क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। पहला कराते हैं राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले दो स्ट्रिंग्स हुआ स्टार्ट विद कैपिटल स्मॉल ए, इस कोई सी स्ट्रिंग लेते हैं, उसमें उन स्ट्रिंग्स को मुझे प्रिंट करना है जिनका फर्स्ट लेटर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में से, उन स्ट्रिंग को प्रिंट करना है जिनका फर्स्ट लेटर क्या है हमारा स्मॉल ए है, जिनमें से फर्स्ट लेटर जिसका स्मॉल ए है। जैसे मान लीजिए एक स्ट्रिंग ऐड कर लेते हैं, फिर दोबारा सुन लीजिए, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले दोस स्ट्रिंग हुज फर्स्ट लेटर इज ए फ्रॉम ए लिस्ट। ए लिस्ट में से क्या करना है, मान लीजिए ए बी सी, यहां कर लिया मैंने ए सी डी, फिर यहां कर लिया बी सी डी सी ए बी, मैंने लैड कर लिया कुछ भी, ठीक है, ये फोर स्ट्रिंग्स आ गया, चार स्ट्रिंग में से उन स्ट्रिंग्स को प्रिंट करना है जिनका फर्स्ट लेटर क्या है स्मॉल ए है, ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट बहुत इजी और कुछ नहीं है, जैसे देखिए फॉर लूप I N A, सबसे पहले I में क्या आएगा स्टूडेंट, फर्स्ट स्ट्रिंग आपकी स्टोर हो जाएगी I के अंदर, हो गया, सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रिंग इसके I के अंदर आ जाएगी, ये तो होता है। ओके, अब मुझे बताइए ये स्ट्रिंग I के अंदर आ गई, किसके अंदर आ गई, I के अंदर, थोड़ा सही कर देते हैं इसे, I के अंदर फर्स्ट स्ट्रिंग स्टोर होगी, हो गई। अब फर्स्ट स्ट्रिंग आपको पता है फर्स्ट लेटर का इंडेक्स क्या होता है ऑलवेज स्ट्रिंग में, मुझे बताइए भाई, ये देखो फर्स्ट स्ट्रिंग इसके अंदर आ गई, अब ये स्ट्रिंग वाले केस में चलेगा, तो इन स्ट्रिंग एनी स्ट्रिंग द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट फर्स्ट कैरेक्टर इज क्या होता है जीरो,
क्या होता है जीरो। तो यहां पर इसका इंडेक्स क्या होगा जीरो होगा, यहां पर इसका इंडेक्स क्या होगा जीरो, यहां इसका इंडेक्स क्या होगा जीरो, यहां इसका इंडेक्स क्या होगा जीरो होगा। तो यहां से हम चेक आई में सबसे पहले एबीसी आ गया, फर्स्ट स्ट्रिंग आ गई। अब यहां से हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि उसका फर्स्ट लेटर क्या है। तो यहां से हमने चेक किया ए आई का फर्स्ट लेटर क्या बेटा, आई का फर्स्ट लेटर आई ऑफ जीरो, एफ आई ऑफ ये ब्रैकेट आते हैं आई ऑफ जीरो इक्वल टू स्मॉल ए, ये तो होता है। अगर आई का फर्स्ट लेटर आई का फर्स्ट लेटर अगर ए है तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको कर देंगे प्रिंट पूरे लेटर को। हो गया, फिर समझिए आई के अंदर फर्स्ट स्ट्रिंग आ गई, फर्स्ट स्ट्रिंग का अगर फर्स्ट लेटर क्या होता है जीरो तो होता है, इंडेक्स क्या होता है फर्स्ट लेटर का जीरो तो होता है, आई ऑफ जीरो सबसे पहले आई के अंदर एबीसी आई। अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है सबसे पहले हो चुकी है ए बी सी। तो हाउ वी चेक कि फर्स्ट लेटर ऑफ आई इज ए और नॉट, तो देन व्हाट विल बी, क्या उसका इंडेक्स होता है सबसे पहला जीरो होता है। तो हम क्या करेंगे आई ऑफ जीरो इक्वल्स टू ए अगर है, कोई कंपैरिजन करने के लिए क्या लगाते हैं डबल इक्वल्स टू लगाते हैं। अगर इसकी वैल्यू अगर इसके इक्विवेलेंट है तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। तो अगर ये ट्रू है तो देन वो पूरा पूरा वर्ड प्रिंट हो जाए और नहीं अदरवाइज नहीं प्रिंट हो। तो सबसे पहले आई के अंदर क्या शुरू हुआ एबीसी, तो चेक करेगा फर्स्ट लेटर उसका एबी स्मॉल ए है, यस स्मॉल ए है, तो क्या प्रिंट कर देगा प्रिंट आई। तो आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा ए बी सी, ठीक है। अब आई के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, सेकंड आई के अंदर पहला तो हमारा क्या आ गया आई के अंदर, अब सेकंड आ जाएगा ये वाला आ जाएगा, जब ये दोबारा हमारी ये प्रोसीड हो गई है लूप, तो अब आई के अंदर क्या आ जाएगा ए सी डी, फिर वो चेक करेगा। अब आई के अंदर क्या आ चुका है, आई के अंदर दूसरी स्ट्रिंग आ गई ए सी डी, ठीक है ये तो होता है। अब इसका फर्स्ट लेटर चेक करेगा वो, क्या ये जीरो है फर्स्ट लेटर इसका, फर्स्ट लेटर क्या मतलब जीरो पोजिशन, इट मीन आई और जीरो क्या ए है इसका, यस। तो ये भी हमारा क्या होगा बेटा प्रिंट हो जाए ए बी सॉरी ए सी डी प्रिंट। अब आई के अंदर क्या स्टोर आ जाएगा, नेक्स्ट स्ट्रिंग आ जाएगी आई के अंदर, ए वाली हट जाएगी यहां से बी सी डी। अब क्या हो गया आई की वैल्यू बी सी डी, ये तो होता है जब लूप हम प्रोसीड करते हैं ये तो होता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर चेक करेगा आई ऑफ जीरो क्या है बी है ना कि ए, रॉन्ग कंडीशन, तो ये हमारा प्रिंट नहीं होगा। फिर आई के अंदर फिर क्या आया, आई के अंदर फिर आ गया हमारा सी ए बी, सी ए बी आ गया, फिर इसमें चेक करेगा सी ए बी आ गया सी ए बी, फर्स्ट लेटर चेक करेगा आई ऑफ जीरो इक्वल्स टू ए है, नहीं है भाई साहब सी है उसमें, तो ये भी रॉन्ग होगी कंडीशन, ये भी हमारा प्रिंट नहीं होगा। तो कौन कौन से लेटर प्रिंट हुए जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, वो ऐसी लिस्ट इनमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में से ऐसे वर्ड्स प्रिंट हो गए जिनका फर्स्ट लेटर ए है, ठीक है समझ में आ गया ना। ये प्रोग्राम पूछा गया है, ये फाइल डाटा फाइल हैंडलिंग का, ये अगर आपको लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग समझ में आ गई समझ लो फाइल ये फाइल हैंडलिंग पूरी कंप्लीट होगी, पूरी की पूरी बेस आपकी इसी पे, स्प्लिट फंक्शन लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, स्प्लिट फंक्शन लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, बस पूरी पूरी डाटा फाइल हैंडलिंग इसी पर पूरा खत्म हो जाएगा टोटल, ठीक है ना, इसलिए इसको समझिए। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं कि जिसका वर्ड एबीसी है, जिस अब ऐसे एबीसी वर्ड को काउंट करो कितने एबीसी वर्ड है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ए में, ए जो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है कितने इसमें एबीसी वर्ड है उनको काउंट करिए। तो राइट ए प्रोग्राम टू काउंट एबीसी वर्ड इन स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग ए के अंदर कितने एबीसी वर्ड है उनको हमें काउंट करना है, ठीक है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं एक हमारा एक स्ट्रिंग है ए, इसके अंदर कुछ वर्ड स्टोर है, यहां मान लेते हैं सी डी ए, यहां मान लेते हैं ए बी सी,
बहुत सारे वर्ड स्टोर हैं, ठीक है बहुत सारे वर्ड्स स्टोर किसके अंदर, ए स्ट्रिंग के अंदर। अब मुझे ऐसा कोई प्रोग्राम डेवलप करना है कि काउंट द नंबर ऑफ वर्ड ए बी सी इन स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग ए के अंदर ए बी सी वर्ड काउंट करो। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, कितने वर्ड्स है ए बी सी, ठीक है ये मुझे काउंट करना है। बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, देखिएगा। तो क्या करेंगे हम, ए बी सी वर्ड मुझे काउंट करने हैं। तो सबसे पहले वेरियल लेट कर लो बेटा, यहाँ पर काउंट या सी मान सकते हैं, जो भी आप मानना चाहो, सी इक्वल टू जीरो मान लीजिए या काउंट ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काउंट इक्वल टू जीरो। ये क्यों माना बताऊंगा अभी, और जीरो क्यों माना बताऊंगा। काउंट इक्वल टू जीरो, अगर आपको ये वर्ड थोड़ा बड़ा लग रहा है तो यार सी मान लो, सिंपल है, सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। फॉर लूप आई एन ए सेम, ये तो काम होने होना है, आई एन ए ए कॉलम, ठीक है भैया। सबसे पहले आई में कौन सा वर्ड आएगा बेटा, सबसे पहले आई में आएगा हमारा ए बी सी, ए बी सी वर्ड आ गया ना। अब यहां हम चेक करेंगे इफ आई के अंदर जो वर्ड आया है वो ए बी सी है कि नहीं। अगर आई के अंदर जो वर्ड आया है अगर वो ए बी सी है तो इस सी की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, एक बढ़ जानी चाहिए। भाई सी इक्वल टू जीरो मैंने इसलिए माना है टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स ए बी सी, कितने वर्ड हमारे हैं ए के अंदर, उनको काउंट करने के लिए लाइक किया है। तो सी विल इंक्रीज बाय वन, सी विल इंक्रीज बाय वन। अगर आई की वैल्यू, जो आई के अंदर जो वैल्यू आई है, फर्स्ट स्ट्रिंग जो आई है, अगर एबीसी है तो देन सी विल बी इंक्रीज्ड बाय वन। सी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इससे एक बढ़ जाएगी उसकी वैल्यू, तो एक हमारी बढ़ गई सी को सी प्लस वन। फिर इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, दूसरी, अब ये वाला हो गया कंप्लीट, ठीक है, सेकेंड वाला आ गया इसके अंदर। फिर वो चेक करेगा क्या आई के अंदर जो सेकंड स्ट्रिंग आई है क्या वो एबीसी है, नहीं है, वो तो सी डी ए है। तो सी की वैल्यू क्या रहेगी, वन की वन रहेगी, वो जीरो से वन हो गई थी ना, क्योंकि आई में सबसे पहले क्या आया था, एबीसी आया था। तो एबीसी के केस में ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो से अपग्रेड हो गया, वन हो गई थी, इंक्रीज हो गया, वन हो गई थी। अब आई के अंदर क्या आएगा, सी डी ए आएगा, तो सी डी ए में सी की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, सी की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। फिर आई के अंदर फिर क्या आएगा, आई के अंदर फिर क्या आएगा हमारा, फिर आ जाएगा एबीसी आ जाएगा, एबीसी आ गया। अब चेक करेगा आई इक्वल टू एबीसी है, यस, तो सी की लास्ट वैल्यू क्या हो गई थी, वन हो गई थी, क्योंकि मुझे एबीसी एक वर्ड मिल चुका था, तो सी हमारा एक वैल्यू इंक्रीज हो गया था। अब आज फिर सी बढ़ जाएगा, एक और सी बढ़ जाएगा ना, एक और इंक्रीज हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, टू हो जाएगा। तो सी विल बी इंक्रीज बाई वन, सी विल बी टू, ठीक है। अब सी में क्या आ जाएगा फिर नेक्स्ट, सी में स्टूडेंट हमारा आ गया, फिर नेक्स्ट सी में आ जाएगा बी सी ई, बी सी जी, बी सी सी जो भी मानना चाहो वो मान सकते हैं, ठीक है। अब ये आया तो इसमें, इसमें अगर चेक किया उसने, इसमें अगर वो चेक करता है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में स्टूडेंट क्या होगा, ये वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि वो एबीसी नहीं है, ठीक है, तो वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई। तो एट लास्ट मोमेंट, अब हम प्रिंट क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे, यहां जब लूप से जब बाहर आ जाएगा जब उसके सी की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, क्योंकि लूप पूरा चलने के बाद सी की वैल्यू प्रिंट होगी। अब जैसे ये लूप पूरी प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद कहां आएगा, जैसे 11 का मैंने बताया था, प्रिंट सी पे आ जाएगा, प्रिंट सी पे आती, सी की लास्ट वैल्यू क्या थी, टू थी ना, तो बार तो बढ़ा है सी, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा आंसर, टू आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, टू। तो एक एक करके एडमी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में क्वेश्चन, डाटा फाइल एडमी में ऐसी क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में सबसे पहले पहले एक एक करके एक वर्ड आएगा, वर्ड आने के बाद में उसका कैरेक्टर चेक करना, फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, तो जीरो कर सकते हैं, और सेकंड कैरेक्टर पूछे तो वन कर सकते हैं। अगर वो डायरेक्ट वर्ड से कंपैरिजन कराए तो आई इक्वल टू एबीसी कर दीजिए, एबीसी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना।
और सी विल बी इंक्रीज कितनी बार बढ़ेगा, जितनी बार वो वर्ड हमें मिल जाएगा कंपैरिजन करने के बाद। तो इस तरीके से दो प्रोग्राम मुझे कराने थे। और आज का लास्ट टॉपिक है स्प्लिट फंक्शन, उसके बाद डाटा फाइल हैंडलिंग पे हम बढ़ेंगे, फाइल हैंडलिंग पे उसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लास्ट जो चैप्टर है 78% जो बचा है उसके बाद ये कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहला टॉपिक तक करा दिया उसने, स्टेक क्यू, ये डाट फाइल हैंडलिंग और एसक्यूएल वाला बचा है जो कनेक्टिविटी, दो टॉपिक होते हैं कोर्स खत्म, ठीक है। ये टॉपिक मैंने इसलिए कराए क्योंकि ये फाइल हैंडलिंग में बहुत यूजेबल टॉपिक है, इनका यूज बहुत होना है उसमें, पूरी फाइल हैंडलिंग इन्हीं पर डिपेंड है, कोई भी फाइल हैंडलिंग और किस पर डिपेंड नहीं, ठीक है। अब हम कराते हैं लास्ट टॉपिक फॉर टूडे, स्प्लिट, स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन आपने स्ट्रिंग भी पढ़ ली और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बस यहां पर ये भी कुछ बचता है कि हाउ वी कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। इट मीन्स कोई अगर मान ली फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग हमारे सामने गिवन है, स्ट्रिंग क्या गिवन है, ए इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल ए इज अ गुड बॉय, ए इज अ गुड बॉय, ये स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू वर्ड, क्या करता है स्प्लिट फंक्शन, कुछ नहीं है, सिंपल है, क्या कर देगा इसमें, ए इक्वल्स टू इसको स्ट्रिंग में तोड़ देगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में पहले में आ जाएगा ए, पहला वर्ड बन जाएगा ए, दूसरा बन जाएगा इज, तीसरा बन जाएगा ए, फोर्थ बन जाएगा गुड, फिफ्थ बन जाएगा बॉय, ठीक है, क्या बन गया बॉय, ठीक है ना। यहाँ तो यहाँ पर हम दूसरी स्ट्रिंग मान सकते हैं, यहाँ पर ये क्या करता है स्प्लिट फंक्शन, स्प्लिट फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग के किसी स्ट्रिंग को लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू वर्ड, जो वर्ड है इसमें कितने वर्ड्स है, एक दो तीन चार पांच, ए को भी काउंट करो तो इसमें कितने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में कितने आइटम्स आ जाएंगे, कितनी वैल्यूज आएंगी, कितनी स्ट्रिंग आएंगी, हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर देयर इन लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, फाइव, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा इसका, इट मीन स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, ए इक्वल्स टू नंबर फर्स्ट कर देगा ए, सेकंड वर्ड इज, थर्ड वर्ड ए, फोर्थ गुड एंड फिफ्थ बॉय, ये काम करता है स्प्लिट फंक्शन। अगर मान लीजिए मुझे स्प्लिटिंग करनी है इसकी स्ट्रिंग की, तो क्या लिखूंगा मैं इसके, अगर इससे ये वाला आउटपुट लाना चाहता हूं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसके बाद अगर मैं प्रिंट करूं, क्या करूं, ए इक्वल्स टू ए इज अ गुड बॉय और इसका कर देता हूं प्रिंट ए, तो आउटपुट एक स्ट्रिंग के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं करता हूं उसके बाद ए डॉट स्प्लिट, क्या करता हूं ए डॉट स्प्लिट, ए डॉट स्प्लिट करने के बाद ये क्या होगा स्टूडेंट, ए डॉट स्प्लिट करने के बाद ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, इस मतलब लिस्ट में ब्रेक हो जाएगा, इसमें इस लिस्ट में ब्रेक हो जाएगा, हम कर देते हैं। अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूं, तो मैंने किया बी इक्वल टू ए डॉट स्प्लिट, अब तो बी हमारी जो बनेगी लिस्ट वो कैसी बनेगी, बी लिस्ट के अंदर ये इसके वर्ड ब्रेक हो जाएंगे, ऐसे बन जाएगा। इट मीन्स किसी भी स्ट्रिंग को लिस्ट में ब्रेक करना, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में ब्रेक करना अकॉर्डिंग टू वर्ड, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्प्लिट फंक्शन का यूज करते, ठीक है ना। मान लीजिए आपको काउंट करना हो किसी स्ट्रिंग के अंदर कितने कितने वर्ड्स हैं, कितने वर्ड है, तो क्या करो v इक्वल्स टू a डॉट स्प्लिट, v अब आपका ब्रेक हो गया, क्या करो प्रिंट len b, हो गया सिंपल। तो आप क्या करेगा len फंक्शन, इसके अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे उनको काउंट करेगा, आंसर दिखा देगा। तो ये तो अभी आगे की बातें हैं कि कितना आंसर आने वाला है, जैसे लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है कि कितने वर्ड है किसी लाइन में, सिंपल कुछ नहीं करना हमें, प्रिंट लैन बी आउटपुट, ठीक है, आउटपुट आगे लैन बी करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आगे मिलने वाले हैं। तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को ब्रेक करने के लिए, थोड़ा और अच्छी तरह करा देते हैं, किसी भी स्ट्रिंग को ब्रेक करना है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, जैसे ए हमारा दिया हुआ है, इसको ब्रेक करना चाह रहा हूं, तो बी इक्वल टू
ए डॉट स्प्लिट, स्प्लिट करते हैं डॉट है, ठीक है, ए डॉट स्प्लिट, और इसके बाद अगर मैं प्रिंट करता हूं प्रिंट बी, तो देन ये क्या होगा स्टूडेंट, प्रिंट बी करते ही ये स्ट्रिंग क्या होगी, हमारी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में ब्रेक हो जाएगी अकॉर्डिंग टू वर्ड। यहां मैंने किया प्रिंट बी, तो आउटपुट क्या आएगा, जो आउटपुट मैंने बताया क्या आएगा, आउटपुट ए, फिर इसके बाद में इज, ऐसे करके वर्ड की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगी, ठीक है ना, प्रिंट बी करते ही, समझ में आ गया ना। पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कैसे करेंगे, दोबारा प्रिंट बी, ठीक है, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, ए इज जो मैंने कराया था, ठीक है, और गुड, थोड़ा जल्दी लिख देता हूं मैं गुड, और इसके बाद में ठीक है, इस तरह से ये ब्रेक हो गया, ठीक है, बी ओ बाय, ओके, ये इस तरह से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग किसमें ब्रेक होगी हमारी, स्ट्रिंग हमारी ब्रेक होगी, किसमें होगी ब्रेक, एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में ब्रेक हो, ठीक है, यही स्टूडेंट इसका काम कि किसी भी स्ट्रिंग को एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में ब्रेक करना, ठीक है, ये आपकी पूरी स्ट्रिंग थी, एक कंबाइंड एक स्ट्रिंग थी पूरी, और इसको मैंने किसमें ब्रेक कर दिया, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में ब्रेक कर दिया अकॉर्डिंग टू वर्ड। अब ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग है, ठीक है, आप पहले क्या था, पहले ये पूरी पूरी एक स्ट्रिंग थी, अब ये ब्रेक हो गई अकॉर्डिंग टू वर्ड, एक लिस्ट में ब्रेक हो गई है स्ट्रिंग, किसमें, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, अगर मैं प्रिंट भी करूंगा तो इस तरह से आउटपुट, ठीक है बेटा। तो ये था आज का लेक्चर, अब हम डाटा फाइल हैंडलिंग स्टार्ट कराएंगे। स्टूडेंट ये दोनों जो मैंने वीडियो दी है, पहली तो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियो, दूसरी वीडियो है कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, इन दोनों को स्टूडेंट जरूर 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 देखें, इन्हीं में बहुत कुछ छुपा हुआ, पूरा जो मैंने पढ़ाया पूरा साथ छुपा हुआ एक तरीके से, ठीक है, इन मतलब क्वेश्चंस में, तो इन दोनों वीडियो जरूर देखें, ओके, कोई भी किसी को दिक्कत हो तो मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मतलब करके पूछ सकता है, सभी के पास मेरा नंबर है, ओके, थैंक यू।